नमस्कार, मैं हूं दीपक सिन्हा। घर में पढ़ो .com में आपका स्वागत है। वोकैबुलरी के डेली एक्सरसाइज में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डेली वोकैबुलरी डोज, उस डेली वोकैबुलरी डोज का आज सातवां अंक है, सातवां श्रृंखला है। और जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि आज सातवें अंक में हम लोग कुछ सिनोनिम पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितना भी वोकैबुलरी मैं डिस्कस कर रहा हूं और करता रहूंगा आने वाले दिनों में, वो सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के क्वेश्चन बहुत रिपीट किए जाते हैं, इसलिए इसको सारे एंगल से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात ये भी बता दूँ कि आप अपने डाउट हमें भेजिए, जिसका कि सॉल्यूशन मैं डाउट रिमूवल करूंगा सैटरडे के सैटरडे, जो शाम को 6 बजे यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। और डाउट भेजने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो डाउट भेजें। व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से लिख देता हूं, ये रोज़ मैं अनाउंस करता हूं, वो है 9971437001। इसके अलावा एक और बात मैं रोज़ अनाउंस कर रहा हूँ कि अंग्रेजी के संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे वेबसाइट को विज़िट करें, www.घरमेंपढ़ो.com। वहाँ से आपको सारी जानकारी हासिल हो जाएगी कि इंग्लिश की तैयारी के लिए घरमेंपढ़ो.com आपके लिए कितनी सुविधाएं प्रदान कर रहा हूँ। तो इतना करने के बाद आज के सेक्शन पर चलते हैं, DVD 7 यानी डेली वोकैबुलरी डोज 7 के ऊपर में। पहला जो शब्द है वो है एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है बेसिकली, यदि हिंदी में आप कहिएगा तो प्रतिबंध लगाना। और ये जो प्रतिबंध लगाई जाती है बेसिकली ट्रेड के ऊपर में जो प्रतिबंध लगाई जाती है, यानी व्यापार पर प्रतिबंध लगाना या सूचना के आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाने के लिए एम्बार्गो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एम्बार्गो का मीनिंग जो निकल कर आएगा वो प्रतिबंध लगाना। एम्बार्गो का मीनिंग जो होगा वो प्रतिबंध लगाना। और ये बेसिकली व्यापार के लिए हुआ है, होता है, या सूचना के आदान प्रदान के लिए, सूचना के आदान प्रदान के लिए ये प्रतिबंध लगाया जाता है, के लिए ये होता है। अब देखिए, एम्बार्गो शब्द में गौर करिएगा, बार पहला जो इसमें एक वर्ड है वो है हम लोगों का बार। बार का मतलब होता है प्रतिबंध करना, लगाना। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि बार का जो होता है वो वर्ब की तरह प्रतिबंध लगाना होता है, और बार का नाउन की तरह और भी मतलब निकलता है। जैसे बार का मतलब आप जानते हैं, नाउन की तरह वह स्थान जहाँ पर आप ड्रिंक कर सकते हैं। बार उसको भी कहते हैं जहाँ पर लॉयर लोग उठते बैठते हैं, और बार का मतलब प्रतिबंध भी लगाना होता है, ठीक है ना। ही इज़ बार्ड फ्रॉम अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन में उसको अपियर करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। और गो का मतलब होता है जाना, यानी जाने से प्रतिबंध लगा दिया। क्या जाने से? व्यापारिक वस्तुओं के जाने से या सूचना के आदान प्रदान को पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इसको एम्बार्गो कहते हैं। तो आप कीवर्ड याद रखिएगा, बार का मतलब प्रतिबंध लगाना और गो का मतलब जाना, यानी जाने से प्रतिबंध लगा दिया जाए तो वो एम्बार्गो हो जाएगा। और दिस इज़ फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन और एमंग टू पीपल, या बिटवीन और एमंग टू कंट्रीज आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि एन ऑर्डर टू टेम्पररली स्टॉप समथिंग। टेम्पररली मतलब तत्कालीन रूप से, क्षणिक रूप से किसी चीज़ को स्टॉप कर देना। स्पेशली खास तौर पर, स्पेशली ट्रेडिंग व्यापार और गिविंग इंफॉर्मेशन कोई सूचना देने पर रोक लगा दिया जाए टेम्पररली, तो इसको एम्बार्गो कहते हैं। ऐसे ट्रेड एम्बार्गो का भी प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इनके ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया गया है क्यूबा के ऊपर में, तो क्यूबा से कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है और क्यूबा के प्रति कोई भी, यहाँ देखिए एम्बार्गो हो गया है तो क्यूबा से कोई ट्रेड भी नहीं हो रहा है, यहाँ ट्रेड पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो स्लाइड में आपको दिख रहा है। दूसरा भी मतलब होता है कि ये मतलब होता है, तो जैसे कहता है कि दे हैव पुट एन एम्बार्गो ऑन इम्पोर्ट ऑफ क्लोदिंग। क्लोदिंग के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उन्होंने क्लोदिंग यानी वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यहाँ पर एम्बार्गो ये शब्द लिखा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल यदि देखते हैं, द पुलिस आस्क फॉर अ न्यूज एम्बार्गो। न्यूज एम्बार्गो कहने का मतलब न्यूज के ऊपर में प्रतिबंध लगाने के लिए
पुलिस ने कहा है वाइल दे ट्राइड टू फाइंड द किडनैपर, जब वो किडनैपर को खोजने की कोशिश में है तो उस समय न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया जाए ताकि सूचना का आदान प्रदान न हो सके और किडनैपर चौकन्ना न हो सके। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल आपको मिल गया, गिविंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर में भी जो प्रतिबंध लगाया जाए और ट्रेड के ऊपर में भी जो प्रतिबंध लगाया जाए। याद रखिएगा, बार का मतलब प्रतिबंध लगाना होता है और गो का मतलब जाना होता है, यानी किसी चीज़ के जाने से रोक लगाना, खास करके ट्रेड और सूचना के संदर्भ में कहा जाता है। ये पहला वर्ड था हम लोगों का आज का, एम्बार्गो। दूसरे वर्ड की ओर चलते हैं। दूसरा वर्ड है बैरियर। बैरियर का मतलब आप जानते हैं कि बैरियर वो वस्तु होती है जो एक दूसरे जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए रोकती है। कोई भी घेरा हो, पोल हो, या माउंटेन हो, या सी हो, यह भी बैरियर का काम करती है। तो एक तो बैरियर का मतलब हो गया कि प्रतिबंध लगाने वाली वस्तुएं, जो नाउन की तरह यदि आप देखते हैं तो प्रतिबंध लगाने वाली वस्तुएं, एक तो हो गया हम लोगों का बैरियर का मतलब, प्रतिबंध लगाने वाली वस्तुएं। और जो मैं आपसे बोल रहा था कि जैसे फेंस हो गया, पोल हो गया, सी हो गया, माउंटेन हो गया, ये भी बैरियर का काम करती है, रोक लगाती है। रोक लगाने से क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जा नहीं पाते हैं। तो ये बैरियर का पहला मतलब निकल जाता है। और बैरियर का मतलब है कि लोगों के बीच में किसी प्रकार का प्रतिबंध भी होता है, लोगों के बीच रुकावटें कह दीजिए, रुकावटें। जैसे मान लिया जाए, हम बोलते हैं कि देयर इज़ ए लैंग्वेज बैरियर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, तो वहाँ पर ये रुकावट हो गया, भाषा संबंधी रुकावट हो गया, ये प्रतिबंध नहीं हो गया। और ये किन दो देशों के बीच में हो गया, चाइना और अमेरिका के बीच में, बिकॉज चाइनीज जो हैं दे आर नॉट कम्फर्टेबल इन इंग्लिश और अमेरिकन आर नॉट कम्फर्टेबल इन चाइनीज, तो दिस इज़ कॉल्ड बैरियर। या और भी कुछ बैरियर के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर जो स्लाइड लिखा हुआ है, देखिए बैरियर का स्लाइड लगा हुआ है, यानी कि इस तरफ से इस तरफ कोई चीज़ को आना बड़ा मुश्किल है, रुकावटें ही रुकावट है या प्रतिबंध है। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि लॉन्ग पोल समझ रहे हैं, पोल खंबा हो गया, फेंस का मतलब घेरा हो गया, वार का मतलब दीवार हो गया, और या तो नेचुरल फीचर, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं जैसे सच एज माउंटेन और सी हो गया, दैट स्टॉप जो रोकता है पीपल लोगों को फ्रॉम गोइंग समवेयर, एक जगह से दूसरी जगह या किसी स्थान पर जाने के लिए रोकता है, तो उसको भी बैरियर कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, कहता है एग्जांपल, बैरियर हैव बीन इरेक्टेड। इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा करना, इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा करना, ऐसे भी आप सीखते रहेगा। तो इरेक्ट किया जा चुका है, खड़ा किया जा चुका है, ऑल अलॉन्ग द रूट, यानी उस रूट के चारों तरफ, ऑल अलॉन्ग मतलब उस रूट के चारों तरफ, द पोप विल टेक, यानी जिस रूट को, जिस रास्ते को, जिस मार्ग से पोप जाएंगे, पोप विल टेक, जिस मार्ग का वो अनुग्रहण करेंगे, उस पूरे रास्ते में चारों तरफ से बैरियर यानी प्रतिबंधे लगा दी गई है, रुकावटें लगा दी गई है। तो ये या तो फेंसिंग हो सकता है, नेचुरल बैरियर तो नहीं हो सकता है, फेंसिंग हो सकता है, वॉल हो सकता है, पोल हो सकता है, इस तरह का बैरियर लगा दिया गया, तो बैरियर का एक मतलब ये निकल कर आता है। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि एनी थिंग दैट प्रिवेंट्स, ऐसी कोई भी चीज़ें जो रोकती हैं पीपल लोगों को फ्रॉम बीइंग टुगेदर, एक साथ होने में, आपस में मिलने जुलने में। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि लैंग्वेज का बैरियर है, अब मैं एक लैंग्वेज बोलता हूँ और आप एक लैंग्वेज बोलते हैं, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आप चाइनीज़ बोलते हैं, ना मैं चाइनीज़ समझता हूँ ना आप इंग्लिश समझते हैं, तो ये क्या हो गया, एक बैरियर हो गया, और पीपल दो लोगों को मिलने में ये रुकावटें पैदा कर रही है, दो लोग आपस में मिल नहीं सकते हैं। तो यही बात कर रहा है, बीइंग टुगेदर और अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। अब हम चाइनीज़ नहीं समझते हैं और चाइनीज़ वाला इंग्लिश नहीं समझ रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, तो ये रुकावटें भी होती है बैरियर का मतलब। आगे जैसे एग्जाम्पल है, डिस्पाइट द लैंग्वेज बैरियर,
यानी भाषा के रुकावटों के बावजूद। अब यहाँ पर कहता है लैंग्वेज बैरियर का मतलब नॉट स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, जो भी दो लोग थे वो एक ही प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे थे, तो नॉट स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, लेकिन कहता है कि दे सून बिकम गुड फ्रेंड, लेकिन वो लोग तुरंत ही एक अच्छे दोस्त हो गए बावजूद इसके कि भाषा की रुकावटें थी। मीन्स दो बोथ ऑफ देम वेयर नॉट इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड ईच अदर, इन स्पाइट ऑफ दैट दे बिकम गुड फ्रेंड्स। तो ये हो गया। दूसरा भी एक एग्जांपल है साइनेस। साइनेस कहने का मतलब हो गया संकोच या शर्मिलापन। इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स, जो सारे रुकावटों में सबसे बड़ा बैरियर है साइनेस, शर्मीला होना, संकोची होना, हेजिटेंट होना, कहीं पर भी कुछ कहने से हम हेजिटेट कर रहे हैं, टू मेकिंग फ्रेंड, फ्रेंड बनाने के लिए ये बहुत ही बड़ा सारे रुकावटों में एक रुकावट है। अब यहाँ पर कहता है समथिंग दैट मेक्स डिफ़िकल्ट, जो किसी चीज़ को कठिन बना देता है, तो बैरियर का ये भी मतलब निकल कर आ रहा है। तो बैरियर का मतलब रोक लगाना हो गया, प्रतिबंध लगाना हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए बार शब्द लिखा हुआ है, तो बार लिखा हुआ है तो बार का मतलब ही होता है रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना। तो ये बार से हम लोग यहाँ भी लास्ट डिड्यूस कर सकते हैं। डिबार भी होता है, डिबार मतलब भी प्रतिबंध लगाना होता है, वहाँ भी बार है, इम्बार्गो में भी बार है, बैरियर में भी बार है, तो इन सब का मतलब रोकना या प्रतिबंध लगाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर, इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो इसके आगे है नेक्स्ट वर्ड है प्रिस्क्राइब। अब ये कॉमन सा वर्ड है जिसको आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में प्रिस्क्राइब का प्रयोग हम लोग करते हैं डॉक्टरों के लिए, चिकित्सकों के लिए। डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वहाँ पर मेडिसिन जो वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका मतलब हो गया नुस्खा लिखना, नुस्खा लिखना। और ये प्रिस्क्राइब यहाँ पर जिस प्रयोग किया गया है वो वर्ब की तरह से प्रयोग किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो डॉक्टर के सेंस में यदि प्रिस्क्राइब का प्रयोग कीजिएगा तो नुस्खा लिखना हो गया, और यदि गवर्नमेंट के सेंस में, सिस्टम के सेंस में यदि कीजिएगा तो इसका मतलब होता है कानून बनाना, कानून बनाना, टू मेक लॉ, ठीक है ना। गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मेनी रूल्स फॉर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, तो प्रिस्क्राइब करने का मतलब गवर्नमेंट हैज मेड मेनी रूल्स टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो अब यहाँ पर कहता है कि ये जैसे है, यहाँ पर जो स्लाइड आपके साथ लगाया गया है, आप देखिए एक डॉक्टर हैं, इनके हाथ में एक दवा की शीशी है, दवा की बोतल है, और ये कुछ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ये इनका स्टेथोस्कोप है जिसको कि आला हम लोग कहते हैं, ये देखिए स्टेथोस्कोप लग रहा है। इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट दिस पर्सन सिटिंग ऑन दिस अदर साइड ऑफ द टेबल इज अ डॉक्टर होल्डिंग ए स्मॉल बॉटल एंड ट्राइंग टू प्रिस्क्राइब। इट इज़ नॉट करेक्ट टू यूज राइट प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन, यानी नुस्खा लिख रहे हैं। तो डॉक्टर के सेंस में प्रिस्क्राइब का जो सेंस निकलता है, टू से कहना या बताना, व्हाट मेडिकल ट्रीटमेंट, कौन सा चिकित्सीय उपचार जो है समवन शुड हैव, किसी को मिलनी चाहिए, डॉक्टर के सेंस में यह है। जैसे एग्जांपल के तौर पे है द ड्रग इज ऑफन प्रिस्क्राइब्ड, यानी दवाएं ऑफन मतलब प्राय नुस्खा के रूप में लिखी जाती है फॉर अल्सर, ड्रग का मतलब दवा हो गया। या कहता है कि आई हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, यानी मुझे नुस्खा में लिखा गया है पेन किलर, दर्द को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ लिखी गई है। दूसरा मैं आपसे कह रहा था कि प्रिस्क्राइब का मतलब होता है टू मेक रूल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का। जैसे पेनल्टीज फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस आर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, अगर टैक्स आप पे नहीं करते हैं तो ये लॉ के द्वारा रूल यानी कानून बना हुआ है। तो यहाँ प्रिस्क्राइब का मतलब हो गया मेड लॉ या मेड रूल, तो ये लॉ के द्वारा रूल बना हुआ है कि टैक्स पेनल्टी फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस आर मेड रूल बाय लॉ, प्रिस्क्राइब्ड इज इक्वल टू मेक रूल, दूसरा सेंस हो गया। द लॉ प्रिस्क्राइब्स, यानी लॉ जो है
वो प्रिस्क्राइब करता है, रूल बनाता है दैट ऑल चिल्ड्रेन मस्ट गो टू स्कूल, ये कहता है कि जितने बच्चे हैं वो स्कूल। तो यहाँ पर भी प्रिस्क्राइब का मतलब हो गया कि मेक्स रूल, यानी लॉ जो है रूल बनाता है, मेक्स रूल हो गया। आगे कहता है ग्रामेटिकल रूल्स प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स जो है वो एक रूल के फॉर्म में है, हाउ वर्ड्स मे बी यूज टुगेदर, कैसे शब्दों को एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रिस्क्राइब एक वर्ब होता है जिसका दो अर्थ आप निकाल सकते हैं, डॉक्टर के सेंस में नुस्खा लिखना और गवर्नमेंट के सेंस में कानून बनाना, मेक रूल होता है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, कम्फर्ट। कंफर्ट यहाँ पर जो मीनिंग आपको समझाया जा रहा है, कंफर्ट का मतलब यहाँ पर नाउन की तरह से आपको बताया गया है, कंफर्ट का मतलब आराम होता है, चैन होता है और सुख भी होता है, सुख भी होता है, आराम चैन सुख। और कंफर्ट वैसे वर्ब भी होता है, कंफर्ट वर्ब का मतलब होता है आराम पहुँचाना, आराम पहुँचाना, सुख पहुँचाना, पहुँचाना सुख पहुंचाना, ये वर्ब भी होता है, वर्ब में इसका अर्थ हो जाता है आराम पहुंचाना एंड सुख पहुंचाना। जैसे मान लिया जा कहते हैं कि द ड्रग कंफर्टेड द पेशेंट, यानी दवाई जो है पेशेंट को आराम पहुंचाया। दूसरा यदि कहते हैं कि हिज सन ऑलवेज ओबेज हिज पेरेंट, दिस कंफर्ट्स हिज पेरेंट, और यह उनके पेरेंट को चैन देता है, सुख देता है, तो कंफर्ट वहाँ पर वर्ब हो जाता है। कंफर्ट का मतलब होता है एक प्लेजेंट फीलिंग, एक सुंदर एहसास ऑफ बीइंग रिलैक्स्ड, कि हम रिलैक्स आराम के हैं, बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिजिकल पेन के, दर्द के, रिलैक्स एंड फ्री फ्रॉम पेन, और किसी भी तरह का दर्द नहीं है। पेन कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं समझिएगा कि फिजिकल पेन, शारीरिक दर्द हो सकता है कि मेंटल पेन भी होता है, मानसिक दर्द भी होता है, कई चीज़ों से आप परेशान हैं, कई चीज़ों के कारण आप तनाव मुक्त हैं, तो उससे भी आप फ्री फ्रॉम पेन। यहाँ पेन कहने का मतलब इट एसेंशियली मीन्स कि फ्री फ्रॉम फिजिकल और मेंटल पेन, तो ये हो गया। अब यहाँ पर दिस गर्ल सीम्स टू बी रिलैक्स्ड इन ए पोजिशन ऑफ कम्फर्ट, देखिए कम्फर्ट के पोजिशन पे है, सी इज स्माइलिंग, तो ये कहता है सी एविडेंटली ड्रेसेस फॉर कम्फर्ट। अब हम ड्रेस जो पहनते हैं, जब घर के अंदर में हम पहनते हैं तो ऐसे पोशाक पहनते हैं जिसे आराम मिलता है, जिसे हमें दिक्कत नहीं महसूस होती, लेकिन जब वो फॉर्मल वेयरिंग पहनते हैं, तो फॉर्मल जगह के लिए पहनते हैं, तो वहाँ हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। आगे कहता है इट इज़ अ लिटिल हॉट, लिटिल टू हॉट, यानी थोड़ा ज़्यादा गर्म है फॉर कंफर्ट, आराम के लिए ये सही नहीं है, आराम के दृष्टिकोण से थोड़ा ज़्यादा गर्म है, अ लिटिल टू हॉट। आगे कहता है यू कैन वॉच द लेटेस्ट फिल्म इन द कंफर्ट ऑफ योर ओन रूम। अब फिल्म हम थिएटर में भी जाकर देखते हैं और अपने कमरे में भी देख सकते हैं, तो अपने कमरे में हम डीवीडी से लाकर देखते हैं, पेन ड्राइव से लाकर देखते हैं, मे बी जो प्रसारण ब्रॉडकास्ट होता रहता है विभिन्न चैनलों के द्वारा, वहाँ से भी देख सकते हैं, तो बड़े आराम से हम लेट कर कर, सो कर कर, बैठ कर कर वो पिक्चर का आनंद उठाते हैं। तो वही कह रहा है कि इन द कम्फर्ट ऑफ योर रूम, तो कम्फर्ट का मतलब आराम हो गया, नाउन की तरह से, वर्ब की तरह से आराम पहुँचाना हो गया। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिफाई। जस्टिफाई जो शब्द है वो पूर्ण रूप से वर्ब है, और जस्टिफाई का मतलब होता है उचित ठहराना, उचित ठहराना, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं सही ठहराना, सही ठहराना, जस्टिफाई का मतलब। तो कहता है टू गिव और टू बी गुड रीजन फॉर, यानी कि किसी चीज़ के लिए सही कारण देना, जस्टिफाई करना, तर्क संगत बताना। जैसे कहता है कि आई कैनॉट रियली जस्टिफाई, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, सही नहीं ठहरा सकता हूँ, टेकिंग अनदर डे ऑफ, यानी दूसरा दिन भी छुट्टी लें काम से, इस बात के लिए मेरे पास कोई उचित तर्क नहीं है, उचित रीजन नहीं है, कारण नहीं है, अ गुड रीज़न फॉर, सो आई डोंट हैव अ गुड रीज़न फॉर टेकिंग अनदर डे ऑफ वर्क, ये भी हम कह सकते हैं जस्टिफाई को, यदि हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें गुड रीजन फॉर से।
दूसरा कहता है आर यू श्योर दैट दीज मेजर्स आर जस्टिफाइड। अब यहाँ पर देखिए मेजर जो लिखा हुआ है, इस मेजर का मतलब हो गया कदम, और मेजर को यदि वर्ब की तरह से यूज करते हैं तो मेजर का मतलब होता है नापना। ही मेजर्ड द वॉल विथ मेजरिंग टेप, यानी मेजरिंग टेप से उसने वॉल को मेजर किया। लेकिन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू टेक सम मेजर्स फॉर इराडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, तो इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है सम मेजर्स कुछ कदम उठाने का टू इरेडिकेट, इराडिकेट कहने का मतलब उन्मूलन करने के लिए, इलिटरेसी यानी कि अशिक्षा का उन्मूलन करने के लिए कुछ कदम उठाने। तो मेजर्स का मतलब वहाँ पर कदम हो गया और यहाँ पर भी कदम हो गया। जो कहता है आर यू श्योर, क्या आप आश्वस्त हैं दैट दीज मेजर, कि ये सारे जो कदम हैं आर जस्टिफाइड, उचित हैं, उचित रूप ठहराया जा सकता है, सही ठहराया जा सकता है। तो मेजर का मतलब वेरीफाई भी आप कह सकते हैं, अटेस्ट भी कह सकते हैं, तो ये जस्टिफाई का मीनिंग निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल्स में 17/2/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इम्बार्गो का सिनोनिम क्या है, तो बैरियर, इम्बार्गो का मतलब ही रुकावट होता है, प्रतिबंध होता है, बैरियर का मतलब ही प्रतिबंध होता है, तो इसका आंसर हो गया। प्रिस्क्राइब को हम लोग फिर से रिकैप कर लें, नुस्खा लिखना भी होता है, कानून बनाना होता है। कंफर्ट को भी यदि हम लोग देख लें तो नाउन की तरह आराम, सुख, चैन होता है, और वर्ब की तरह आराम पहुँचाना और सुख पहुँचाना होता है। जस्टिफाई जो होता है वो वर्ब होता है, वर्ब की तरह इसका मतलब होता है किसी चीज़ को उचित ठहराना, तर्कसंगत बनाना, सही ठहराना। तो ये था DVD 7। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों के बीच में जितना ज़्यादा हो इसको स्प्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग घर में पढ़ो .com।